नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे। दोस्तों, यह एक शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय और उसकी मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक की यातनाएं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान ले तो हम पहले से ही यह जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको लगातार देखने को मिल सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को पानी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या पितर दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने आसपास अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होती है। मैं उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वो भली भांति जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने ही शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंध को सूंघते ही उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय अब निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है और वह आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है या कई बार उसे स्वयं का विकृत चेहरा दिखाई देता है। ऐसा होने पर उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। पांचवी बात, जब मनुष्य की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा के अंदर जलन लगने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा जलने लगती है जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है। छठी बात, जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है, नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं और उनसे पस निकलने लगता है। इनसे निकलने वाली दुर्गंध से वो परेशान हो जाता है और मुक्ति की कामना करने लगता है। सातवीं बात, जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उसे अपने पास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर होने लगती है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं, जिसने अपने जीवन में पुण्य कमाया होता है, उसकी मृत्यु जब पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हुए होते हैं उसे मृत्यु निकट आने पर अपनी आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं जिनसे डरकर वह कांपने लगता है और अपने पाप कर्मों को कोसता है। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जो मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को मिलते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें और जीवन में सदा अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक ले जा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।